रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम आपसे यह बात कर चुके हैं, पहले भी अवगत करा चुके हैं कि यह हमारा प्रैक्टिस सेशन अब डेली चलने वाला है। तो दोस्त, आज का यह जो प्रैक्टिस सेशन है वह छूटने ही वाला था, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला कि आज पहला ही दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने आपसे वादा किया है कहीं पहले ही दिन मिस ना हो जाए। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्त, और यह टॉपिक वाइज हम आपका पूरा क्लियर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है, जिसमें हमने अपने प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, टॉपिक का नाम है द लिविंग वर्ड्स। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो बहुत ही दमदार यह प्रैक्टिस सेशन मजेदार होगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, The most important characteristics, महत्वपूर्ण लक्षण, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण किसका? The living, यानी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? और इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, वो चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है मल्टीप्लीकेशन, मूवमेंट्स और ग्रोथ और प्रोटोप्लाज्म। आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन, बहुगुणन, अर्थात एक से दूसरा बन जाना, दूसरे से तीसरा बन जाना, ठीक है, इस तरीके से। तो हालांकि यह भी करेक्टर है, बट दूसरा कह रहा है मूवमेंट्स, मूवमेंट करना, ठीक है, और तीसरा कह रहा है ग्रोथ। अब आप सोचेंगे ग्रोथ भी एक करेक्टर है, चौथा ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, आप सोचेंगे यह भी तो एक करेक्टर है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्त हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि आप जानते हैं कि हक्सले ने कहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला है, यह कहा था हक्सले ने। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्त, प्रोटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या कह रहा है दो नंबर का। तो देख लीजिए दो नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है द साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग, साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग अ प्लांट ब्रीडर ओन द नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि नॉर्मल एक साइंटिस्ट है नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें नोबल प्राइज से, नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इन्हें नोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। तो कह रहा है हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति के क्षेत्र में दिया गया, ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन। आप जानते हैं यहां पर कि जो ग्रीन हरित क्रांति है ये फसल से संबंधित है, हरित क्रांति, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहे जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, हरित क्रांति। और यह है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति जो आप जानते हैं किससे संबंधित है, नीली क्रांति फिश, ठीक है। और येलो क्रांति तिलहन से संबंधित है, ऑयल से है। और व्हाइट क्रांति है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन से है, ये है मिल्क से संबंधित, किससे है दोस्त, मिल्क से है। तो अब यहां पर कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, किसके क्षेत्र में योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। अब यहां कह रहा है हाइएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है, हाइएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है इसका, उसमें उच्च लेवल, उच्च स्तर पे कौन है, कह रहा है कि पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है, कम्युनिटी है, बायोस्फीयर है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, पॉपुलेशन तो नहीं, इकोसिस्टम नहीं भाई, कम्युनिटी नहीं, क्योंकि ये सभी बनते हैं
स्थल पर ही और बायोस्फीयर जिसमें से सबसे बड़ा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है होमियोस्टेसिस। ठीक है, होमियोस्टेसिस इज, क्या है होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस क्या है, कह रहा है ए टेंडेंसी टू चेंज विथ चेंज इन इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसी प्रवृत्ति जिससे चेंज कर लें वातावरण के अनुसार अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं है, कह रहा है टेंडेंसी टू रेजिस्ट इंटरनल चेंज, कि जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर आप जानते हैं लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यह चाहे हम ठंडे स्थानों पर चले जाएं, चाहे हम गर्म स्थान पर चले जाएं, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही होगा, वह चेंज नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्न पर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट इंटरनल चेंज, यह 2 नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त, यहां ध्यान दीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, पहले तो हम देखेंगे चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है और इसमें से दिए गए विकल्पों में से आपको सही टिक करना है। तो देख लीजिए इसका कॉम्बिनेशन कौन सा है, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है। अब यहां पर देखेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 में यहां कह रहा है मेलकोलॉजी, मेलकोलॉजी पोमोलॉजी माइकोलॉजी आर्निथोलॉजी, यहां क्यू आर नहीं बल्कि आर्निथोलॉजी है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, मेलकोलॉजी मोलस्का से संबंधित है, मोलस्का से संबंधित है, और पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है, फ्रूट से है, और माइकोलॉजी जानते हैं माइकोलॉजी फंजाई के अध्ययन से है, और आर्निथोलॉजी बर्ड के अध्ययन से संबंधित है, बर्ड का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। अब यहां देख लीजिए किससे मैच कर रहा है इन दिए गए विकल्पों में से, ए का किससे है, यस से है, तो ए का यस में 2 में है दोस्त, ये 2 कैंसिल हो गए, ये ऑप्शन नहीं हो सकते सही, 1 और 3 में चलना है, ए यस से, और बी का किससे है, आर से, तो देख लीजिए बी का आर से, बी आर ये भी अभी तक चल रहा है सही, सी भी चलते हैं, माइकोलॉजी किससे है, क्यू से, तो देख लीजिए सी का क्यू से मेल कहां पर है, सी का ये पी है, तो ये रॉन्ग हो गया, सी का क्यू जी बिल्कुल, इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही है, 3 नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है देख लीजिए, 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट मैचिंग रिगार्डिंग एन इंस्टीट्यूशन एंड इट्स लोकेशन, इसमें से करेक्ट मैच कराइए कि जिनमें से जो इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और यहां पर जो लोकेशन है और उसका मैच हो जाए, सही मैच हो। ठीक है, जैसे कह रहा है पहले ऑप्शन में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है, कह रहा है पुणे में है, तो क्या ये सही है, कह रहा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, कह रहा है कौशाली में है, कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, कह रहा है मुंबई में है, कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस लखनऊ में है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो दोस्त इसका राइट आंसर है ए नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, पुणे में है, जबकि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, यह कौशाली नहीं बल्कि लखनऊ में है दोस्त, कहाँ है, लखनऊ में है, और यह कहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वैसे मुख्य रूप से हैदराबाद, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज ये कहाँ है, ये है दोस्त कौशाली में, कहाँ है, कौशाली में। ठीक है, कौशाली कह रहे हैं कसौली, ऐसे ऐसे नाम भी हैं जब थोड़े से परिचित नहीं होंगे तो इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिर 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी सबसे छोटी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, कह रहा है स्पीसीज है, टैक्सॉन है, कैटेगरी है, सब स्पीसीज है, इनमें से सही आंसर कौन सा है,
सही आंसर क्या है? दोस्त, हम आपको बता दें, आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हर दिन आप हमारे साथ होंगे, हालांकि बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशनल विचार आते हैं तो हमारे भी अंदर जो ऊर्जा है वह भी जागृत हो जाती है, हम आपके लिए समय निकाल लेते हैं दोस्त, ठीक है। तो यदि आप लोगों का साथ रहा तो यह जो सेशन है, इस सत्र का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक दमदार तरीके से यह प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल साथ दीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, करिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लोग आ जाते हैं नए, अगर चैनल पर हैं सब्सक्राइब नहीं करते, आप तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, जिससे मनोबल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन की कौन सी है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन लीनियस हायरार्की, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि देख लीजिए करेक्ट कौन सिक्वेंस है, इसमें से चारों विकल्प में से करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है, ठीक है। करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है? कह रहा है फाइलम, फिर क्लास, फैमिली। नहीं, क्लास के बाद ऑर्डर आता है। क्या आता है दोस्त? ऑर्डर आता है। मैंने कहा था किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मैंने आपको एक कहानी बताया था कि एक राजा थे, किंग थे, और एक फाइल लिए। क्या लिए? फाइल। आ जाओ मेरी फाइल, आ जाओ, तो ये फाइल है मेरी फाइल है। और किंगडम मतलब किंग एक राजा थे, और अपनी फाइल लेकर के क्लास में आए और ऑर्डर दिए। किंगडम, किंग मतलब राजा, किंगडम और फाइल लिए। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। और क्लास में आए मतलब क्लास, और ऑर्डर दिया हम लोगों को कि अपनी फैमिली को जीएस पढ़ाओ, अपनी फैमिली को जीएस पढ़ाओ। तो यहां पर देख लीजिए फाइलम क्लास ऑर्डर नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा डिवीजन, डिवीजन इसके ऊपर है, क्लास के पहले है। डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और ट्राइब भी आ गया। ट्राइब, जी बिल्कुल ट्राइब, जीनस स्पीसीज से पहले है ट्राइब, जीनस और स्पीसीज। और यहां तो डिवीजन बाद में आ गया ट्राइब के बाद, तो यह भी गलत है। फाइलम, क्लास, अभी ऑर्डर नहीं आया, ट्राइब आ गया, यह भी गलत है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या है? 2 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर नौ क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देख लीजिए, कह रहा है टैक्सोन, टैक्सोन इज, टैक्सोन क्या है? कह रहा शॉर्ट टर्म फॉर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के लिए बहुत शॉर्ट टर्म है। कह रहा अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज का एक समूह है, नहीं ऐसा नहीं। कह रहा एक क्लासिफिकेटरी अर्थात टैक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ एनी रैंक, जी बिल्कुल यही इसका ऑप्शन सही है कि टैक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ एनी रैंक, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते दोस्त, ठीक है, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। हम यह चाहते हैं कि कितने कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कराए जाएं, कितने कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कराए जाएं, ठीक है। देख लीजिए, कह रहा है लीनियस इज फेमस फॉर, लीनियस जिसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, कह रहा है कैरोलस लीनियस, कह रहा किसके लिए फेमस हैं? कह रहा है क्वाइनिंग द टर्म सिस्टमैटिक्स, कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल गिविंग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कह रहा है ऑल ऑफ दिस। नो, इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है नॉट, ए नहीं, बल्कि क्या है? ए नहीं है, इसका 2 नंबर सही जवाब है, इंट्रोड्यूसिंग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इसका राइट आंसर है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है नियोटाइप इज, नियोटाइप क्या है? कह रहा है नोमेनक्लेचर टाइप फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल, ठीक है, नोमेनक्लेचर टाइप फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल, ओरिजिनल मूल में जो पदार्थ है उससे जो है नोमेनक्लेचर प्रकार है। कह रहा है नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन ओरिजिनल मटेरियल्स इज मिसिंग, जी बिल्कुल ओरिजिनल मटेरियल इज
मिसिंग, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग दिस इज कॉल्ड नियोटाइप, दिस इज कॉल्ड नियोटाइप, और यही कहलाता है नियोटाइप। इसका राइट आंसर क्या है? दो नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यहां पर, इन विच बुक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इश्यूड बाय लिनियस, यानी किस बुक में कह रहा है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनामकरण पद्धति इशू की गई लिनियस के द्वारा। कह रहा है हिस्टोरिया नेचुरली, यल क्या है, ये क्या है, ये तो नहीं हो सकता। कह रहा सिस्टेमा नेचुरी, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, कह रहा जिनेरा प्लेंटेरम। देखिए ये भी बुक है इनकी, जिनेरा प्लेंटेरम, इसके अलावा एक स्पीसीज प्लेंटेरम भी है, स्पीसीज प्लेंटेरम भी है, लेकिन कह रहा है कि बायोनोमियल क्लेचर इशूड किया था लिनियस ने किस बुक में, तो इसमें नहीं बल्कि किसमें, सिस्टेमा नेचुरी इसकी राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? सिस्टेमा नेचुरी इज द राइट आंसर। ठीक है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है फर्स्ट टाइम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज रिटन बाय, यानी फर्स्ट टाइम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर रिटन इन, यानी किसमें लिखा गया था, कह रहा है ग्रीक में कि लैटिन में, इटालियन में कि इंग्लिश में, किसमें लिखा गया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका राइट आंसर क्या है। इस पर बड़े संदेह हुआ था, कुछ लोगों ने टिक इंग्लिश लगा दिया, ठीक है, कुछ इटालियन लगा दिया, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, लैटिन इज द राइट आंसर। ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, देख लीजिए क्या है 14 में। द हेडक्वार्टर ऑफ BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI इज एट, यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। कह रहा है हावड़ा कोलकाता में, न्यू दिल्ली, कह रहा है लखनऊ में, NBRI, FRI देहरादून में, जो कह रहा है उत्तरांचल में, तो कहाँ है BSI का हेडक्वार्टर, कहाँ है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है हावड़ा कोलकाता। ठीक है कोलकाता इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है कह रहा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, 15 नंबर का क्वेश्चन, और इसका सही जवाब क्या है दोस्त, फटाफट कमेंट करिए और सही जवाब बताइए। कह रहा है क्यू इंग्लैंड में है, पेरिस में है, वाशिंगटन में है कि हावड़ा में है, कहाँ है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्त, इसका राइट आंसर है क्यू, क्यू इंग्लैंड इसका सही जवाब है। ठीक है ये आपको बता दें जो TGT और PGT, ठीक है दोस्त हम आपको बता दें TGT और PGT, इसके साथ ही साथ बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं यह सीरीज लगातार चलने वाली है, हालांकि आज थोड़े जल्दबाजी में है, जल्दी में है दोस्त, ठीक है आज टाइम नहीं निकल बन पा रहा था, अभी मैंने आपके लिए टाइम निकाला कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले दिन भी मिस हो जाए, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि 25 क्वेश्चंस हर जो टॉपिक से लेकर के चलेंगे, और कल मैं आपको अगले दिन एक टॉपिक का एक मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा किस अनुसार हम लेकर के चलेंगे, ताकि एक दिन पहले आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से उस टॉपिक को जिस टॉपिक पर हमारा क्वेश्चन होने वाला होगा। ठीक है तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जबरदस्त कमेंट के साथ जरूर दीजिएगा। ठीक है तो चलते हैं आज हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके थैंक यू, जय हिंद।